आपको पता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में जितने ढेर सारे पार्ट्स होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो सही तरीके से फंक्शन कर सके। यही सेम चीज कुछ लोग होते हैं, कुछ सोशियोलॉजिस्ट होते हैं जो कि सोचते हैं कि हमारी सोसाइटी भी ऐसे ही सिमिलर होती है, उसमें भी ढेर सारी पार्ट्स होते हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, कुछ फंक्शंस कहलाते हैं और एक साथ वो कहलाते हैं स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म। थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं डिफरेंस, लेट्स गेट इन टू द वीडियो। एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल पेजेस बाय साक्षी पटेल। माय नेम इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तीनों कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, आपको बहुत सही से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर आप लोग जब मास्टर्स कर लेते हो, है ना, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये सारी बातें आपको तो भाई एकदम अच्छे से पता है, लेकिन जिन्होंने मास्टर्स नहीं किया है सोशियोलॉजी में या फिर बैचलर्स में कभी नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए ये डाउन राइट इम्पॉसिबल हो जाता है कि किस तरीके से इस कंसेप्ट को समझा जाए। तो आज मैं आप लोग को थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। मुझे ये बताओ, इस डेफिनेशन को कितने बार सुना हुआ है कि सोशियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोसाइटी? कई हजार बार आपने सुना होगा, है ना। लेकिन ये बताओ मुझे, एटॉमिक फिजिक्स क्या होता है? एटॉमिक फिजिक्स में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, एनाटॉमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में। वैसे ही सोशियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी के बारे में। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है इसका मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं। देखो सबसे पहली बात, ये जो स्ट्रक्चरलिज्म का कंसेप्ट है ना, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफी फेमस हो गया था, बहुत ट्रेंडी टॉपिक था, हर कोई बस जो भी मिल जाए वो इसी बारे में बात करता था। अब स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स। अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स मतलब कि मेरे पास क्या है, हाथ है, पैर है, लंग्स है और कितने भी सारी चीजें हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ बॉडी है, ये आपस में इंटीग्रेटेड है। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान में सिर्फ हार्ट को डाल दोगे तो वो पूरा का पूरा सर्वाइव कर जाएगा, और भी पार्ट्स की जरूरत है। तो इस अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। हर्बर्ट स्पेंसर जो है इस चीज को काफी पॉपुलराइज कर दिए थे क्योंकि उनको बायोलॉजी जो है ये काफी पसंद थी। और क्या है ना, इनके बाद क्या है, मॉडर्न एरा में अगर कोई है जो कि इसके बारे में बात करते हैं वो है मर्डॉक, जो कि रहते हैं अमेरिका में और प्लस वो अमेरिकन है, एयर रैटक्लिफ ब्राउन जो कि ब्रिटिशर हैं, ब्रिटेन से हैं, क्लॉड लेविस्ट्रॉस जो कि फ्रांस से हैं, और ये सब बातें करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। इन लोगों का कहना है कि ना सोसाइटी की खुद की एक लाइफ होती है, ऐसा नहीं है कि ये एकदम मरा हुआ सा कोई चीज है, ये खुद में एक इंसान की तरह है। इनका कहना है जैसे कि सपोज कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में ढेर सारे स्ट्रक्चर्स रहते हैं ना, इनका खुद का पहले स्ट्रक्चर रहता है, तब जाके एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनता है, जैसे कि कॉर्ड्स और वगैरह वगैरह ढेर सारी चीजें। एक सेंटेंस है, सेंटेंस का भी बचपन में आप लोग को स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता था कि इट इज मेड अप ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेडिकेट, हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह वगैरह। एक बिल्डिंग भी जो है वो सीधे खड़े नहीं हो जाती है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, इसमें ढेर सारी चीजों की जरूरत होती है। एक YouTube वीडियो बनाने के लिए ढेर सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, स्क्रिप्ट की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, आपको लिखना पड़ेगा, आपको स्कैन करने पड़ेंगे, तो ये सब मिलके एक स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद वो आप लोग के सामने अपलोड होता है ना। तो हर चीज का सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर होता है और ऐसे बिलीव करने वाले लोगों को स्ट्रक्चरलिस्ट के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम बातें करेंगे फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की। ये दोनों चीजें एक ही होती है, हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने, ये दोनों चीजें एक होती है, है ना। कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि ये अलग होता है, ये अलग होता है, नहीं बाबा दोनों चीजें एक होती है। फंक्शनलिज्म एक होता है, फंक्शनल अप्रोच एक होता है, फंक्शनल थ्योरी एक होती है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म भी एक होता है। इस चीज को पॉपुलर करने वाले नॉन अनदर देन डर्कहाइम है, जो कि 1895 में एक बुक लिखे थे जिसका नाम था रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टैलकॉट पार्सन्स आए जिन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में काफी बातें की, मैक्रो कंसेप्ट माइक्रो कंसेप्ट दोनों को जोड़कर इन्होंने बताया। फिर आए आरके मर्टन। आरके मर्टन ने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के कंसेप्ट को एकदम पीक पॉइंट पर पहुंचा दिया, ऐसे पॉइंट पर पहुंचा दिया कि इसके बारे में कुछ और बचा ही नहीं लिखने को। ओके, अब स्ट्रक्चर मतलब तो आपको पता है, फंक्शन मतलब भी आपको पता है कि इसका मतलब होता है एक्टिविटी या फिर किसी काम को करना, जैसे कि मैं अभी एक काम कर रही हूँ, मैं अपनी आवाज रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आप लोग सही तरीके से पढ़ सको, है ना, कम टाइम में पढ़ सको, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत मत पड़े, तो ये मेरा फंक्शन है।
तो इन लोगों का क्या कहना होता है, फंक्शनलिज्म लोगों को, समाज में हर चीज का कोई ना कोई फंक्शन होता है, और अगर फंक्शन नहीं होगा ना तो समाज उसको उखाड़ कर फेंक देगी। जैसे कि रिलीजन, रिलीजन का फंक्शन क्या है, लोगों को डिसिप्लिन मैनर में रखना और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ताकि लोग अच्छे से रह सके, डिसिप्लिन मैनर में रह सके। लेकिन क्या रिलीजन का जन्म सिर्फ इसलिए हुआ था? क्या रिलीजन का जन्म और उसके जो फंक्शन होते हैं, ऑरिजिन होते हैं, क्या एक होते हैं? तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का काम कौन करते हैं? फंक्शनलिस्ट। वो बताते हैं कि ऑरिजिन और उसके फंक्शन दोनों सिमिलर नहीं होते हैं। प्लस इनका कहना है कि हमारे जैसे बॉडी पार्ट्स होते हैं ये अलग अलग होते हैं, ढेर सारे होते हैं, है ना, लेकिन आपस में क्या है, इन लोग इंटर रिलेटेड है और सबके अलग अलग फंक्शन भी है। जैसे कि हार्ट है, ये क्या करता है, ये ब्लड को पंप करता है, प्लस हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कौन करता है, लंग्स। ऐसे ही सब का जितने भी अदर बॉडी पार्ट्स हैं उनके अलग अलग काम होते हैं, लेकिन ये अपने लिए ये सारे काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है इसका सर्वाइवल पॉसिबल हो जाए। इसकी इंपॉर्टेंस तब लोगों को पता चलती है जब किसी का किडनी फेलियर हो जाता है, तब पता लगता है अरे यार उस किडनी का कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन था, है ना। तो इस तरीके की चीज है। वैसे ही एक क्लॉक है, क्लॉक में ढेर सारे पार्ट्स होते हैं, एक स्ट्रक्चर बनता है क्लॉक का, तब जाके क्लॉक हमें दिखता है सामने। अगर एक भी चीज खराब हो जाए तो पूरा का पूरा क्लॉक काम करना बंद कर देता है। जैसे कि अगर मैं कोई सेंटेंस बोल रही हूँ उसमें मैं एक चीज गलत बोल दूँ तो सेंटेंस का मायना गलत हो जाएगा, है ना। एक कार में कितने सारे पार्ट्स होते हैं, वो सब आपस में एक साथ मिलकर काम करते तब गाड़ी चल पाती है। बस इसी चीज को फंक्शनलिज्म के नाम से जाना जाता है, जिसे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म भी कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के लोग ऐसा कुछ कहते हैं कि ना वो इक्विलिब्रियम पे बिलीव करते हैं, बैलेंस पे बिलीव करते हैं, कि समाज में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इनका ये कंसेप्ट ना मैक्रो कंसेप्ट है, क्यों, क्योंकि ये सोसाइटी पे ज्यादा फोकस कर रहे रैदर दैन एन इंडिविजुअल। इनका मानना है जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी है वैसा ही एक सोसाइटी है, ह्यूमन बॉडी का सर्वाइवल तब पॉसिबल है जब उसके पार्ट्स एक साथ मिलकर काम करें, वैसे ही सोसाइटी का सर्वाइवल तब पॉसिबल है जब उसके पार्ट्स जो हैं, उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो एक साथ मिलकर काम करें, प्लेन एंड सिंपल। इनका एक और मतलब है कि सोशल चेंज जो है ये थोड़ा सा डिसरप्टिव हो जाता है। जैसे कि सपोज अगर आप देखोगे, अगर कोई भी काम अगर हमारी सोसाइटी में कुछ नया होता है और बहुत ही इंस्टेंट होता है, फास्ट होता है, तो बाकी के जो लोग हैं वो एडजस्ट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाते हैं, है ना, प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा, और इस कारण से पूरी की पूरी सोसाइटी कई बार डिसइंटीग्रेट हो जाती है। जैसे कि सपोज हमें अचानक से एकदम हाईली ट्रेंड वर्कर्स की जरूरत पड़ गई तो उसके लिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस को काम करना होगा। स्कूल्स एंड कॉलेजेस को पैसा देने का काम कौन करेंगे? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है ये खुद ब खुद पैसा कहाँ से लेंगे, तो हमारे से टैक्स वसूल के पैसा लाते हैं ना। तो ऑब्वियसली ये जो हाईली ट्रेंड वर्कर्स है ये इनकी सैलरी के से क्या जाएगा, टैक्स लेंगे, टैक्स से होगा स्कूल्स एंड कॉलेज, और ये फिर से नए हाईली ट्रेंड ऑफिशियल्स लेके जाएंगे। ये स्लो प्रोसेस में होगा तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर ये बहुत ही हाई रेट में हुआ, बहुत ही तेजी से हुआ, इकोनॉमी को हाईली ट्रेंड वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो चीजें क्या प्रॉब्लम में आ जाएंगी कि बाकी के जो पार्ट्स है सोसाइटी के, जैसे कि फैमिली, रिलीजन वगैरह वगैरह, ये ठीक से नहीं वर्क कर पाएंगे और सोसाइटी क्या होगी, डिसइंटीग्रेट होगी और इसके कारण डिस इक्विलिब्रियम होगा। आई होप आपको समझ में आया हो कि मैं दोनों बातें किस बारे में कर रही हूँ। थैंक यू सो मच टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं और वो कौन से टॉपिक्स है जो कि आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए बनाऊं। सो दिस इज ऑल अबाउट इट एंड सी यू बाय द नेक्स्ट वीडियो।